फॉर योर सी यू टी एग्जामिनेशन यू नो कम्पाइलेन ऑफ़ सी यू टी यू जी पी जी जो अदर यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जामिनेशन है पर से बी एच यू आपका जे एन यू अदर एग्जाम अदर यूनिवर्सिटीज़ साथ ही साथ जो वन डे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स होते हैं उनके भी uh, यहाँ पर उन लोगों के लिए भी ये सेशन बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल रहने वाला है उसके बाद हम प्रीवियस या पेपर करेंगे ठीक है सो पूरा एक पैकेज होता है हमारा सेशन सो so, एक बार फटाफट फड़ से धुआंधार तरीके से सभी लोग सेशन को शेयर कर दीजिए अगर आपने चैनल चैनल को को सब्सक्राइब सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस को कर और फड़ा फड़ा फड़ कर दीजिए दीजिए फटाफट से लाइक वेरी 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 गुड मॉर्निंग एवरी वन वेरी गुड मॉर्निंग राधे राधे सभी को राधे राधे गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग सो एक बार फटाफट फड़ से सभी लोग सेशन को शेयर कर दो एक बार सभी लोग सभी लोग सेशन को शेयर कर देंगे गाइस वेरी 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 गुड मॉर्निंग एवरी वन सो लेट स्टार्ट देशन सो एज दॉट ऑफ द डे से इज थिंक बिग ट्रस्ट योर सेल्फ एंड मेक इट हैपिन सो अब ये जो टाइम है आपका एग्जामिनेशन बहुत ही करीब है बहुत करीब है अब आपको जल्दी से जल्दी सेलेबस कंप्लीट करके रिविजन करके प्रैक्टिस पर आना है बहुत बहुत क्रूशल टाइम है इस टाइम पर बहुत ज़्यादा जरूरी है कि आप सारे सोशल मीडिया से दूर हो जाओ उन लोगों से दूर हो जाओ जो आपकी लाइफ में मायने नहीं रखते हैं और आपको डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहे हैं उनसे भी एकदम दूर हो जाइए सभी लोगों से दूर हो जाइए ठीक है बिल्कुल। जस्ट वेट राइट? आप सभी लोगों से दूर हो जाइए जो आपके लाइफ में वैल्यू नहीं रखता उससे दूर हो जाइए और उसके साथ ही साथ हेल्दी खाओ uh, थोड़ा सा रूटीन अपना सही करो ठीक है प्रॉपर भगवान की भी पूजा करो बहुत ज़्यादा जरूरी है समय ब्लेसिंग्स की बहुत ज्यादा जरूरी है आप सबको जरूरत है आप सबको तो एक हम कह सकते हैं कि यू नीड एवरी थिंग टू क्रैक योर एग्जामिनेशन ठीक है पढ़ाई के साथ साथ बहुत सारी अदर चीज़ें भी हैं जो आपको सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी टू टू क्रैक दिस एग्जामिनेशन वेरी गुड मॉर्निंग वेरी गुड मॉर्निंग वेरी 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 गुड मॉर्निंग एवरी वन चलिए आगे बढ़ते हैं सो so, हमारी कम्युनिटी है करंट अफेयर्स बाय विशाली मैम की अगर आपने कम्युनिटी अभी तक ज्वाइन नहीं की है तो ज्वाइन कर लीजिएगा मैंने कम्युनिटी पर एक क्वेश्चन पूछा था कैसी चल रही है पढ़ाई तो कुछ लोगों का आंसर आया जिन्होंने नहीं किया एक बार आप जरूर बताइएगा कम्युनिटी पे जाके साथ ही साथ हमारी डिफरेंट डिफरेंट प्ले है ये प्ले हमारी डेली करंट अफेयर्स वीकली करंट अफेयर्स की है ये स्टार्टिंग की है मंथली और ये मिनट शो सो so, एक हमारा एक इंपॉर्टेंट पूरा पैकेज होता है जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं बस कुछ नहीं करना आपको सुबह बजे का का सेशन देखना है है ठीक उसके साथ ही साथ ही कोई भी भी डाउट हो हो किसी तरीके मुझे मेल कर सकते हो। the rate, पे और ये हमारा पूरा एक पैटर्न रहता है जैसे हम अपने विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट लेट स्टार्ट ऑफ टूडे देखिए जो आपके प्राबो हैं ठीक है प्राबोन्टो विंस शियाज प्रेसिडेंशियल रेस इंडोनेशिया के राष्ट्रपति पद की दौड़ में प्रभवो सुब्यांतो विजयी हुए हैं आइए इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं देखिए जो आपके प्रेबवो सुब्यांटो हैं इन्होंने इंडोनेशिया की जो प्रेसिडेंसी है वो हासिल की है इनकी जो विक्ट्री है इसको डिक्लेयर किया गया है विक्ट्री फॉर विक्ट्री फॉर ऑल द इंडोनेशियंस ये बेसिकली जाकर में पैदा हुए थे 1951 में सन है, एक रिनोड इंडोनेशियन इकोनॉमिस्ट है सुमित्रो सुमित्रो के इंडोनेशिया एक लार्जेस्ट आर्की पेलेगो है हमारे वर्ल्ड में देखा जाए तो इंडोनेशिया दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप समूह है ठीक है जहां पर 1700 आइलैंड्स हैं साउथ ईस्ट एशिया कंट्री ये लोकेटेड है इंडिया और पैसिफिक ओशन में फॉर्मली इसको डच ईस्ट इंडीज कहा जाता था इंडोनेशिया ने इंडिपेंडेंस गेन किया है नीदरलैंड से 1945 उसके बाद ये अगर बात करें जो कंट्री ये कंट्री की अगर बात करें तो ये लार्जेस्ट मुस्लिम पॉपुलेशन है वर्ल्ड में यहाँ पे कौन कौन से आइलैंड्स हैं जैसे बाली है लोग बाली घूमने जाते हैं मालदीव्स के बाद नेक्स्ट डेस्टिनेशन लोगों का बाली होता है लेकिन अब मुझे लगता है कि हमारे इंडिया का जो एक कह सकते ना कि लोग शादी के बाद जाते हैं घूमने या वैसे भी जाते हैं कोई आ, जॉब ले लिया फिर जाता है घूमने अपना वेकेशन स्पेंड करने जाता है दोस्तों के साथ मालदीव लोग पहले मालदीव जाते थे लेकिन अब जो लोगों का सेंटिमेंट है जो लोगों का थॉट प्रोसेस है वो चेंज होगा हो गया बिकॉज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने मालदीव को एक बहुत अच्छा सबक सिखाया था उन्होंने लक्षद्वीप में जाके वेकेशन मनाया ना कि मालदीव में और उन्होंने लिखा वाई नॉट मालदीव ठीक है सॉरी वाई नॉट लक्षद्वीप ठीक है तो बहुत सारे बॉलीवुड के एक्टर एक्ट्रेस उन्होंने यहाँ पे ट्रिप, जो ट्विटर है उस पर ट्रेंड कर दिया बॉयकॉट मालदीव उसे मालदीव को बहुत लॉस हुआ ठीक है फिर वहां के जो जो टॉप मिनिस्टर उन्होंने माफी भी मांगी हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी से और जिन्होंने ये कमेंट किया था एक उल्टा सीधा कोई कमेंट कर दिया था नरेंद्र मोदी जी पर तो जिन्होंने कमेंट किया था उनको भी सस्पेंड कर दिया गया तो एक ये कंट्रोवर्सी हुई थी पहले तो मालदीव सबका एक इंपॉर्टेंट डेस्टिनेशन होता था ठीक है जाने के लिए बाहर लेकिन अब मालदीव तो कोई नहीं जाने वाला मुझे ऐसा लगता है बहुत रेयरस ऑफ रेयरस लोग जाएंगे अब हो सकता है फॉरेन कंट्रीज में लोग बाली जाना पसंद करें इंडोनेशिया लोग कैनेडा जाना यहाँ पे पसंद करें ठीक है तो और और भी प्लेसेस जैसे सिडनी है स्विट्जरलैंड वहां पे जाना पसंद करें ठीक है इटली जाना पसंद करें राइट ऑस्ट्रेलिया जाना पसंद करें फिर अब बात करें बाली की तो बाली इंडोनेशिया में है उसके बाद ही बोर्नियो है फिर सेलेबस है जावा है और सुमित्रा ये सारे हमारे आइलैंड्स हैं फेमस इंडोनेशिया का कैपिटल क्या, क्या है जाकरता है और करेंसी क्या है इंडोनेशियन रुपया इंडिया और इंडोनेशिया ये यू नो आर दी अमंग कंट्रीज जिन्होंने इस्टेब्लिश किया आ, इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन जो कि एक, एक एपेक्स मल्टीलेटरल फॉरम है आपके इंडोनेशियन इंडियन ओशन रीजन का साथ ही साथ करेंटली बात करें जो पोस्ट है की, इस में ये के द्वारा हेल्प की जा रही है राइट right? क्लियर है क्या सभी को राइट right. तो एक बार फटाफट से सभी लोग सेशन को शेयर कर देंगे धुआंधार तरीके से जय श्री राम मैम हमारे लिए तो दोनों ही इमेजिनेशन है ऐसी बात नहीं है सपने बड़े देखो जरूर पूरे होंगे नेक्स्ट करंट अफेयर्स देखते हैं हमारे मोदी जी आ गए इसमें प्राइम मिनिस्टर सेवरल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स इन राजस्थान प्रधानमंत्री जी ने राजस्थान में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया है आइए थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं इस न्यूज को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने किया है डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जिसकी टोटल कॉस्ट है रुपीज करोड़ है राजस्थान में अब बेसिकली बात करें एक इवेंट हुआ था एक प्रोग्राम हुआ था विकास भारत विकास राजस्थान प्रोग्राम हुआ था जिसके तहत उन्होंने बहुत सारे प्रोजेक्ट को यहाँ पे लॉन्च किया ये जो प्रोजेक्ट है ये बेसिकली ये कवर करता है जितने भी क्रिटिकल सेक्शन हैं जैसे रोड रेलवे सोलर एनर्जी पावर ट्रांसमिशन ड्रिंकिंग वाटर और पेट्रोलियम और नेचुरल गैस तो जितने भी क्रिटिकल एरियाज़ हैं ये इस प्रोजेक्ट के तहत यहां पर आते हैं कि उनको यहाँ पे सुधार कराने की जरूरत है अगर हम बात करें आपके मिलन की एम आई एल ए एन मिलन देखो ये हमारा क्या है मिलन देखिए मिलन की बात की जाए तो ये बेसिकली मल्टी

आपका अगर बात करें आपका जोधपुर राय का बाग मेरता रोड बीकानेर सेक्शन यहाँ पे मेनली डेवलपमेंट की आ, बात की जा रही है और मेंटेनेंस फैसिलिटी वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को भी यहाँ पे दी जाएगी ठीक है जोधपुर में अच्छा आ, अभी जो हाल ही का जो इंट्रीम बजट आया है उसमें ऐसा बोला गया है आपने भी पढ़ा होगा मैंने आपको बताया था कि अब जो नॉर्मल फोर फोर्टी थाउजेंड फोर्टी थाउजेंड यहाँ पे आ, जो जो कोचेज हैं ठीक है उनको अब वंदे भारत में कन्वर्ट करने का फैसला ले लिया गया है ठीक है और उसकी तरफ से और यहां पे फंड भी प्रोवाइड होगा हमारे गवर्नमेंट की तरफ से उसके साथ ही साथ लक्षदीप व्हाट आई वाज टॉकिंग लक्षदीप को भी यहां पे फंड मिला है ठीक है लक्षदीप को भी फंड मिला है ताकि वो अपनी टूरिज्म को और ज्यादा यहाँ पे एनहांस कर सकते हैं क्लियर एवरी चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर्स क्या कहता है आयरन ओर डिपॉजिट फाउंड इन करौली राजस्थान राजस्थान के करौली में लोह आयस के भंडार जो है वो मिले हैं आइए देखते हैं इसके बारे में इंपॉर्टेंट न्यूज है देखिए जो राजस्थान माइंस डिपार्टमेंट है उस, उसको आयरन और मिला है रिजर्व कहाँ पे मोर देन 840 मिलियन टन्स मिला है आपका जो यू नो you know, आपका जो करौली है ठीक है आपका जो करौली अगर बोला जाए आपका ददरौली आ, यहाँ पे मिला है आपके ददरौली में मिला है आपके खोड़ा में मिला है आपका कोडुपुरा में मिला है और आपके लियोती में मिला है जो आपके करौली के पास है ठीक है सॉरी अब पे जो हिंडन है, है ठीक uh, उस, उसके बगल जो लियो लिलोती है वहां पर मिला है कहाँ पे करौली में ठीक है अगर यहाँ पे बात की जाए जो जो आपका प्रारंभिक अन्वेषण हुआ था उसमें संकेत मिलता है कि लोह अयस्क के आपके मैग्नेटाइट और आपके हेमेटाइट दोनों पाए गए हैं यहाँ पे जो प्रीमियर एक्सप्लोरेशन हुआ था वो इंडिकेट करता है कि यहाँ पे मैग्नेटाइट के साथ साथ आपका जो आयरन ओर का हेमेटाइट है है वो भी यहाँ पे फाउंड हुआ है। तो ये बेसिकली कहाँ पर पाया गया है राजस्थान में पाया गया है वहां के डिपार्टमेंट ने फाउंड किया है एट फोर्टी मिलियन टन से ज्यादा ये डिफरेंट डिफरेंट जगह है जहां पर ये पाया गया ठीक है आयरन ओर पाया गया है ये जो एरिया है ये रिच है मैग्नेटाइट में ठीक है जो कि आपका मैग्नेटिक नेचर का है और हेमेटाइट और आपके कॉमन नेचर का है ठीक है हेमेटाइट आयरन और आपके कॉमन नेचर का है अगर हम आयरन और रिजर्व की बात करें पर्टिकुलरली आयरन और रिजर्व की तो ये स्प्रेड है ओवर 462.3 हेक्टेयर्स आपके खोडा में आपके 754 uh, uh, 754.38 हेक्टेयर आपके ददरौली में 260.71 सिक्सटी आपके तोदोपुरा और 410.94 हेक्टेयर आपके लियोती में ये आपके एग्जामिनेशन में नहीं पूछा जाएगा जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन ठीक है डिस्कवरी जो आपकी डिस्कवरी ऑफ आयरन हुई है वो कहां पे हुई है करौली में ये बूस्ट करेगी इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट उस स्टेट में स्टील और सीमेंट इंडस्ट्रीज ये इनको मेजर बूस्ट मिलेगा और बहुत सारी इंडस्ट्रीज है जहां पे आयरन ओर का काम होता है स्टील का काम होता है आपके कोल का वॉशिंग का काम होता है फाउंड्री का, का काम होता है सेरेमिक सीमेंट इंडस्ट्रीज इनको भी यहाँ पे रॉ मटेरियल मिलता रहेगा फॉर इयर्स ठीक है माइनिंग एंड एक्सप्लोरेशन वर्क जो है आयरन ओर का ये यहाँ पे जयपुर आपके झुंझुनू जुन आपके भिलवाड़ा सीकर और आपके अलवर में यहाँ पर होंगे ठीक है टेक प्लेस दे दे विल बी टेक इन प्लेस इन जयपुर झुंझुनू भिलवारा सीकर एंड एज वेल एज अलवर क्या सभी को क्लियर है एक बार धुआंधार तरीके से फटाफट से सभी लोग सेशन को शेयर कर देंगे वेरी गुड मॉर्निंग शुभांश वेरी गुड मॉर्निंग एवरी वन वेरी गुड मॉर्निंग अजय वेरी वेरी गुड मॉर्निंग एवरी वन वेरी 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 गुड मॉर्निंग जय श्री कृष्ण राधे राधे चलिए आगे बात करते हैं अब हम आयरन ओर के टाइप्स के बारे में थोड़ा सा देखेंगे देखिए ये आपके जोग्राफी का कुछ स्टैटिक पोर्शन है कभी कभी हो सकता है पूछ लिया जाए क्योंकि ये न्यूज में है सो वी हैव टू कवर दी स्टैटिक पार्ट ऑफ दी करंट अफेयर्स एज वेल इसीलिए मैं सब करवाती हूँ टाइप्स ऑफ आयरन ओर की बात करेंगे हैमेटाइट Hemetide की बात करें आप सब जानते हैं इसको रेड ओर कहा जाता है जिसमें सेवेंटी परसेंट मेटालिक आयरन रहता है और कंसिडर किया जाता है बेस्ट क्वालिटी ऑफ आयरन ओर जो हमारे अर्थ पे अवेलेबल है उसके बाद मैग्नेटाइट की बात करें ये सेकेंड बेस्ट ओर है इन टर्म्स ऑफ आयरन कंटेंट ठीक है और ये ब्लैक कलर का होता है सिक्सटी सेवन परसेंट आयरन कंटेंट होता है इसको इट इज नोन फॉर द मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज इसमें चुंबकीय प्रॉपर्टीज भी होती है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज भी होती हैं अगर हम लीमोनाइट की बात करें ये येलो होता है कलर में और यहाँ पे फोर्टी टू सिक्सटी परसेंट मेटालिक और होता है अगर हम आपके साइडराइट की बात करें ये अदर लो क्वालिटी आयरन और है जो फोर्टी परसेंट मेटालिक आयरन कंटेन करता है और बहुत सारी इम्प्योरिटीज होती हैं और इकोनॉमिकली एक, वाइलेबल होता है ठीक है इकोनॉमिकली वैलेबल नहीं होता है ठीक है तो आपका हेमेटाइट मैग्नेटाइट लेमेटाइट और आपका सिडराइट अगर आपके एग्जामिनेशन में आता है विच इज दी बेस्ट आयरन ओर तो आपको यहाँ पे हेमेटाइट आंसर करना है हेमेटा, हेमेटाइट इज दी बेस्ट आयरन ओर ठीक है ऑन अर्थ अब अगर आयरन ओर रिजर्व की बात की जाए राजस्थान में कौन कौन से आयरन ओर हैं ठीक है थीके? बेटा फेब से आप पढ़ना स्टार्ट कर दो ठीक है फेब से पढ़ना स्टार्ट कर दो चलिए आगे बढ़ते हैं आयरन एक, एक तो तो है? है, दौसा में एक सिकार में है रामपुरा में एक बुंदी में है एक आपका झुंझुनू भीलवाड़ा उदयपुर आपके करौली में है तो ये सारे हमारे जो एरियाज है वो आपके आयरन और रिजर्व के एरियाज है ठीक है राजस्थान के अंदर चलिए नेक्स्ट देखते हैं रविचंद्रन अश्विन बिकम्स बिकम थर्ड स्पिनर टू तो रीच 500 विकेट्स। अश्विन, 500 टेस्ट विकेट्स रविचंद्रन अश्विन टेस्ट विकेट तक पहुंचने वाले तीसरे स्पिनर यहां पर बन चुके हैं आइए डिटेल में देखते हैं हमारे जो प्यारा भारत इंडिया है उसकी जो प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी जी उन्होंने प्रेस किया है स्पिनर रविचंद्रा को ठीक है क्यों किया है रविचंद्र अश्विन को यहाँ पे उनकी तारीफ हुई है इनके रिमार्केबल अचीवमेंट के लिए इन्होंने 500 टेस्ट विकेट जो है ये 500 टेस्ट विकेट तक पहुंच गए साथ ही साथ ये बन चुके इंडियन बॉलर जिन्होंने ये जिन्होंने की है अगेंस्ट इंग्लैंड राजकोट में इसके साथ ही साथ अनिल कुंबले हैं ये फर्स्ट इंडियन हैं जिन्होंने 500 टेस्ट विकेट्स लिए थे 105 मैचेस में अनिल कुंबले के बाद ये आपके रविचंद्रन अश्विन सेकंड नंबर पे हैं ठीक है चलिए अगर बात करें अश्विन की तो अश्विन ने अभी तक 116 ओडीआई मैचेस खेले हैं जिनमें जिन, जिन से वन फिफ्टी सिक्स विकेट उन्होंने लिए हैं और 72 विकेट्स लिए हैं 65 फाइव टी मैचेस में इन्होंने अपना टेस्ट डेब्यूट किया था 2011 में ठीक है चलिए फास्टेस्ट टू 500 टेस्ट विकेट देखिए ये सारे हमारे हैं अनिल कुंबले हैं रविचंद्रन अश्विन है मुथिया है ठीक है आपके एटी मैचेस में लिया है शेन वॉर्ने हैं ग्लैन है, ग्लेन है फिर आपकी कोर्टी है जेम्स और स्टूबर्ट है तो हमारे इंडिया से तो दो ही हैं एक है एक, चंद्रन और एक कुंबले है। ठीके? चलो, आगे बढ़ते हैं ठीक हैचार्य है। बहुत 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 इम्पोर्टेंट इंपॉर्टेंट न्यूज है गुलजार और जगत गुरु राम भद्राचार्य को ज्ञानपीठ पुरस्कार यहाँ पे प्रदान किया गया आइए इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं uh, अगर बात करेंगे जो प्रेस्टिजियस फिफ्टी एट ज्ञानपीठ अवार्ड है ठीक है, इस है इस बार इसका मतलब ज्ञानपीठ पुरस्कार दिस टाइम हैविंग फिफ्टी एट ज्ञानपीठ पुरस्कार ठीक है इस बार फिफ्टी एथ एडिशन है तो जो प्रेस्टिजियस फिफ्टी ज्ञानपीठ अवार्ड है ये कॉन्फर किया गया तो सुनी ही हमारे भद्राचार्य जी हैं संस्कृत स्कॉलर हैं जगत गुरु हैं राम भद्राचार्य जी आ, इनको यहाँ पे ज्ञानपीठ पुरस्कार देने का निर्णय ले, ले ले लिया गया है ठीक है हम अगर जगत गुरु राम भद्राचार्य जी की बात करें Uh, तो ही इज अ वेरी क्लोज एंड नोन टू मी ठीक है बिल्कुल मेरे परिवार का ही हिस्सा है ये ठीक है अगर हम आगे बात करें गुलजार की जिनका रियल नाम क्या है सम्पूर्ण सिंह uh, कलरा है ठीक है इनको यहाँ पे uh, इन्होंने हिंदी सिनेमा में काफ़ी ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है और फाइनेस्ट उर्दू पोएट हैं यू uh, नो you know, uh, अगर बात करें इस टाइम ठीक है साथ ही साथ जो हमारे जगत गुरु राम भद्राचार्य जी हैं इनका नाम हम कभी नहीं लेते हैं लेकिन अब क्या है कि पढ़ाना इसलिए लेना पड़ रहा है जगत गुरु राम भद्राचार्य रिनोड हिंदू स्पिरिचुअल प्रोफिलिक ऑथर है ये फाउंडर हैं तुलसी पीठ के आपके चित्रकूट में ठीक है बिल्कुल यस इनको इन, इनको बहुत सारा ज्ञान बहुत ज्ञान है इनको बहुत ज्ञान है वेरी गुड मॉर्निंग वेरी गुड मॉर्निंग बिल्कुल चलो आगे बढ़ते हैं अगर हम गुलजार के बारे में बात करें देखो पता है राम जो हमारे जगत गुरु हैं इनके जैसे लोग Uh, बहुत ही कम जन्म लेते हैं मतलब समझ रहे हो इनके जैसे ज्ञान ज्ञान से भरे हैं ये ठीक है इन्होंने इनको वेदों का ज्ञान है इनको इन्होंने सारी ग्रंथ वगैरह पढ़ी है मतलब और इन्होंने खुद निर्माण किया है मतलब ये बहुत बहुत मतलब बिग सल्यूट हिम दिल से बहुत ज्यादा अपार प्रेम है गुलजार नहीं है मेरे गुलजार नहीं है लेकिन हम जगत गुरु भद्राचार्य जी को बहुत अच्छे से जानते हैं

आदित्य पढ़ना है बेटा किसने कहा तुम्हें नहीं पढ़ना है चलो। जगत गुरु राम भद्राचार्य जी के बारे में बात करें तो इन्होंने मोर देन टू फोर्टी बुक्स लिखी है टेक्स्ट लिखा है जिसमें से फोर एपिक्स यहाँ पे इंक्लूडेड है वेरियस इंडियन हिंदी आ, वेरियस इंडियन लैंग्वेजेस में लाइक संस्कृत हिंदी अवधि साथ ही साथ राम भद्राचार्य जी की बात करें ही हैज़ बीन होल्डिंग दी पोस्ट ऑफ वन ऑफ द करेंट फोर जगत गुरुज राम भद्राचार्य ऑफ रामानंदन सेक्शन सिंस नाइनटीन एटी टू ठीक है तो इन्होंने टू फोर्टी बुक से ज्यादा यहाँ पे लिखी है बहुत सारे लैंग्वेजेस का भी इन्होंने, इन्होंने इनको ज्ञान है संस्कृत हिंदी अवधि और मैथिली ठीक है अगर हम ज्ञानपीठ अवार्ड की बात करें वट इज ज्ञानपीठ अवार्ड ज्ञानपीठ अवार्ड एक ये स्टैब्लिश किया गया था नाइनटीन फोर्टी फोर में और एनुअली दिया जाता है जिन्होंने इंडियन लिटरेचर में आउट स्टैंडिंग कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है Uh, यहाँ पे बात करें uh, इस साल ये आपके सेकेंड टाइम अवार्ड दिया जा रहा है संस्कृत लैंग्वेज को और फिफ्थ टाइम दिया जा रहा है उर्दू लैंग्वेज को ये जो अवार्ड है इट इट इंक्लूड्स इंक्लूड्स दी दी मनी ऑफ लाख लाख रुपए और और स्टैचू है है आपके वाग देवी आपका साइटेशन इसमें नेक्स्ट करंट अफेयर्स खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 ये ऑर्गेनाइज किया गया स्टेट ऑफ असम में भारतीय वायुसेना ने जैसलमेर के पोकरण में वायु शक्ति अभ्यास यहाँ पर किया है आइए डिटेल में देखते हैं इस न्यूज को इंडियन एयरफोर्स ने सक्सेसफुली कंडक्ट किया है वायु शक्ति अभ्यास कहां पे पोखरान जैसलमेर पर ऑन ऑफ ये जो एक्सरसाइज है है ये conduct, ये कंडक्ट कंडक्ट करता है इंडिया का जो एयर पावर है इन विच मोर देन वन ट्वेंटी एयरक्राफ्ट पार्टिसिपेटेड ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया है ये जो एक्सरसाइज है ये शोकेस करता है बहुत सारे मैनुअर्स एयर कम्बैट एयर डिफेंस ग्राउंड अटैक और स्ट्रेटेजिक एयर ट्रांसपोर्ट का क्या आपने फाइटर मूवी देखी अभी रिसेंटली जो थ्री मूवी आई है ऋतिक रोशन और दीपिका पादुकोण अनिल कपूर की फाइटर इट इज़ अ गुड मूवी अच्छी लगी मुझे चलो आगे बढ़ते हैं ये जो एक्सरसाइज है ये शोकेस करता है ठीक है हमारा जो पावर है एयर फोर्स का साथी साथ ही साथ ये जो एक्सरसाइज है इसमें फाइटर एयरक्राफ्ट यहाँ पे इन्वॉल्व थी जैसे रफाल मिग ट्वेंटी नाइन आपका मिरेज है तेजस है ठीक है ये सारे हमारे फाइटर्स आ, इसमें इन्वॉल्व थे यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है वन ट्वेंटी एयरग्राफ्ट पार्टिसिपेट हुए थे बहुत सारे मैनुअर्स परफॉर्म किए गए थे आर्मी और नेवी नेवी ने भी यहाँ पे पार्टिसिपेट किया था एयर पावर और वॉर का यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेशन हुआ था और एयर बॉर्डर्स को प्रोटेक्ट करने का संकल्प भी कमिटमेंट यहाँ पर लिया गया है क्या सभी को क्लियर है गाइस चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर्स इंडिया का जो पहला मिलिट्री ग्रेड स्पाई सैटेलाइट है ये लॉन्च किया गया स्पेस एक्स के द्वारा भारत का जो पहला सैन्य ग्रेड जासूसी उपग्रह है स्पेस एक्स उसके द्वारा इसको लॉन्च किया गया अगर हम स्पेस एक्स की, की बात करें तो स्पेस एक्स के सीईओ कौन है एलॉन मस्क एलॉन मस्क की बात की जाए एलॉन मस्क न सिर्फ स्पेस एक्स के सीईओ है बल्कि टेस्ला के भी सीईओ हैं। और ट्विटर के ओनर हैं एलॉन मस्क ट्विटर के ओनर है, है बेटा थीके? ट्विटर के आपके ओनर है एलॉन मस्क अगर ट्विटर की बात की जाए हुई सीईओ ट्विटर हु इज दी सीईओ ऑफ ट्विटर लिंडा लिंडा आपके ट्विटर की क्या है सीईओ है याद रखेगा ठीक है <coughs> इंडिया का जो पहला स्पाइस सैटेलाइट है ये टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड के द्वारा बिल्ड किया जा रहा है स्पेस एक्स रॉकेट अप्रैल में किया जाएगा ये ये आर्म्ड फोर्सेस के द्वारा यूज़ किया जाएगा ताकि सीक्रेट इंफॉर्मेशन मिल सके ग्राउंड कंट्रोल सेंटर भी आपके बेंगलुरु में सेट किया सेटअप किया जाएगा बेंगलुरु को हम स्पेस सिटी के नाम से जानते हैं ठीक है बेंगलुरु को स्पेस सिटी के नाम से जानते हैं बिकॉज बेंगलुरु में ही इसरो का हेडक्वार्टर है ठीक है चलो आगे बढ़े ये अगर बात करें ये यूज़ किया जाएगा गाइडेंस और प्रोसेसिंग इमेजिनरी जितनी भी इमेजिनरी इंफॉर्मेशन सेंड होंगी Uh, वहाँ पे यू uh, नो you know, आपके सैटेलाइट के द्वारा उसके गाइडेंस uh, और जो वहाँ पे इमेजनरी चीज़ें हो रही हैं उसमें यहाँ पे यूज़ किया जाएगा साथ ही साथ ये जो सेंटर है ये बिल्ड किया गया है इन पार्टनरशिप विद लैटिन अमेरिका कंपनी सेटोलॉजिक ठीक है ये दोनों मिलकर ये uh, यहाँ पे बिल्ड कर रहे हैं इंडिया करेक्टली यूज़ कर रहा है यूएस कंपनीज़ को टू ऑप्टेन दी नेसेसरी स्पाइंग डेटा इसरो की बात करें ये भी इन्वॉल्व था आपके नेशनल एरोनॉटिक्स और स्पेस एडमिन हैज़ बीन इन्वॉल्व विद नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन दैट इज नासा के साथ इन्वॉल्व था कि डेवलप कर सके सिंथेटिक अपर्चर सैटेलाइट अर्थ को स्टडी करने के लिए <coughs> की बात की जाए, इसका पूरा फुल फॉर्म क्या है स्पेस एक्सप्लोरेशन टेक्नोलॉजी एक्सप्लोरेशन टेक्नोलॉजी कॉरपोरेशन स्पेस एक्स बोला जाता है ये एक अमेरिकन स्पेस क्राफ्ट है लॉन्च सर्विस प्रोवाइडर है डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर है सैटेलाइट कम्युनिकेशन कंपनी है जिसका हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया में है और यह कंपनी फाउंड हुई थी एलॉन मस्क के द्वारा दो में चलो सो गाइज वी हैव कंप्लीटेड सेशन फटाफट से पहला क्वेश्चन देखते हैं हु बीन ऑनर्ड विद ज्ञानपीठ अवार्ड बताइए ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको दिया गया दो डोमेन सब्जेक्ट और लैंग्वेज सब्जेक्ट का रेशियो क्या रहता है पेपर में बेटा दोनों अलग अलग सब्जेक्ट हैं मैम टेस्ट सीरीज कहां से परचेज करें अभी बताते हैं आंसर करिए फटाफट -फड़ से Very good. जी को. 58 किसको दिया जा रहा है रामभद्राचार्य जी और गुलजार को नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट से देखते हैं इंडियन एयरफोर्स हैज कंडक्टेड वायु शक्ति अभ्यास इन जैसलमेर भारतीय वायुसेना ने जैसलमेर के डैश में वायु शक्ति अभ्यास किया है कहां पर आज बताते हैं निको टेस्ट सीरीज कहां से खरीदना है वेरी गुड आंसर विल बी सी पोखरान इंडियन एयरफोर्स कंडक्ट कर रहा है वायु शक्ति अभ्यास जैसलमेर पोखरान पर नेक्स्ट रिसेंटली रविचंद्रन अश्विन बिकम्स थर्ड स्पिनर टू तो रीच विकेट हाल ही में रविचंद्रन अश्विन डैश वे टेस्ट विकेट तक पहुंचने वाले तीसरे स्पिनर बने हैं बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा रवि कटियार, आई क्यू लेवल प्रिंस कुमार शिजुका वेरी गुड वेरी गुड गाइस अंशा त्रिपाठी करेक्ट आंसर यी फाइव हंड्रेड राइट चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फटाफट फड़ से रिसेंटली आयरन और रिजर्व हैज बीन फाउंड एट दी करौली सॉल्ट प्लेस ऑफ विच स्टेट हाल ही में किस राज्य के करौली नमक स्थान पर लोह के भंडार मिले हैं तो आंसर यहां पर होगा डी दैट इज राजस्थान राजस्थान में मिला है ना आपके करौली आ, आपके करौली में क्या मिला है आयरन और रिजर्व मिला है ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट से देखते हैं इंडियाज फर्स्ट मिलिट्री ग्रेड स्पाई सैटेलाइट विल बी लॉन्च बाय भारत का पहला हूँ एक बार सेशन ओवर हो जाए तो हा करंट अफेयर्स कर लोगे हो जाएगा मोर देन सफिशियंट है आंसर होगा सी स्पेसएक्स एक्स मस्क स्पेसएक्स के क्या है सीईओ हैं और टेस्ला के भी सीईओ है और ट्विटर के फाउंडर हैं ठीक है सॉरी आपके ट्विटर के ओनर है एलोन मस्क और ट्विटर के सीईओ कौन है लिंडा याकरिनो याद रखिएगा ठीक है पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है स्वच्छ पकवाड़ा दो टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री वॉज स्टार्टेड बाय विच मिनिस्ट्री गाइज ठीक है स्वच्छता पखवाड़ा दो हजार तेईस किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया वेरी गुड एक बार फटाफट फड़ से सभी लोग सेशन को लाइक कर दो एक बार फटाफट फड़ से सभी लोग सेशन को लाइक कर देंगे बहुत बढ़िया वेरी गुड आंसर क्या होगा आंसर विल बी सी मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे नेक्स्ट क्वेश्चन डे ऑफ पीस ऑब्जर्व एवरी ईयर सो प्रत्येक वर्ष अंतरराष्ट्रीय शांति दिवस किस तारीख को मनाया जाता है अभी मैं बताती हूं पीडीएफ के बारे में टेस्ट सीरीज के बारे में बैच के बारे में मैं सब बता रही हूं परेशान मत हो एक बार सेशन थोड़ा सा ओवर होने को हो तो मैं आपको हर एक इंफॉर्मेशन दे दूंगी सेशन में बने रहना आपको सब पता चल जाएगा आंसर विल बी बी ट्वेंटी फर्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट हैज बीन द थीम ऑफ इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस 2023 अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस 2000 का थीम क्या रखा गया है आंसर होगा सी से नो टू वॉयेंस से नो टू वॉयेंस नेक्स्ट क्वेश्चन हाल ही में चर्चा में रहा स्टॉप गैप फीडिंग विधेयक निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है यह बताओ कि स्टार्टिक जीके में और मैंने कौन सा टॉपिक कराने को बताया था बजट हो गया दूसरा इन्वेंशन डिस्कवरीज हो गया तीसरा टॉपिक कौन सा था आंसर यी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यूएसए नेक्स्ट क्वेश्चन विद विच कंट्री विद विच कंट्री हैज इंडिया रिसेंटली साइन सोशल सिक्योरिटी एग्रीमेंट आज पढ़ाना है बाउंड्री लाइंस विद इंडिया बजट इकोनॉमिक सर्वे हो गया आज पढ़ाना है बाउंड्री लाइंस विद इंडिया आंसर क्या होगा आंसर बी ए अर्जेंटीना स एनालिसिस एमसीक्यू सेशन ऑफ करंट अफेयर देन प्रीवियस मंथस का रिविजन भी हो गया आप फटाफट से स्ट्रैटेजी के पर आते हैं और आज पढ़ने वाले है बाउंड्री लाइन्स पेद इंडिया पार्ट वन बाउंड्री लाइंस विद इंडिया चलो बात करते हैं बाउंड्री लाइंस का आज हम पार्ट वन करेंगे कल पार्ट टू करेंगे टुडे इज पार्ट वन चलिए बाउंड्री लाइन से भी इंडिया देखेंगे कि देखो हमारे इंडिया डिफरेंट डिफरेंट बॉर्डर्स से दूसरे कंट्री से बटा हुआ है आई I मीन mean, हमारा इंडिया और हमारा जो जो अदर अदर कंट्रीज हैं वो एक बॉर्डर से ही तो अ, अलग हुई है है ना टेरिटोरियल बॉर्डर से है ना टेरिटोरियल डिमार्केशन से तो अब उस बॉर्डर का नाम दे दिया गया है ठीक है रेखाओं का नाम दे दिया गया है जैसे अगर हम बात करें साउथ वियतनाम की और नॉर्थ वियतनाम की तो ये सेवेंटीन पैरल लाइन से सेपरेटेड है वही अगर बात करें आपका ट्वेंटी uh, पैरल तो ये लिबिया और सूडान ये पैरल देखो ये ट्वेंटी सेपरेटेड है ये लाइन सेकेंड ट्वेंटी सेकेंड पैरल इजिप्ट और सूडान ये दोनों सेपरेटेड है वही अगर बात करेंगे आपका पच्चीसवा पैरल मोरिशियान और माली देखो ये एक पैरल लाइन है जिससे सेपरेटेड है नेक्स्ट थर्टी फर्स्ट पैरल ये आपकी इरा ईरान और इराक सेपरेट हुआ है इस चीज से ठीक है नेक्स्ट वन इज थर्टी एट पैरल साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया ये जो रीजन देख रहे हो ये से इससे सेपरेटेड है नेक्स्ट वन इज फोर्टी नाइन पैरल यू और कैनेडा सेपरेटेड है ये यूएसए और कैनेडा इससे सेपरेटेड है नेक्स्ट वन इज दूरद लाइन दूरंध लाइन देखो दूरंध लाइन आपके इस इससे सेपरेटेड है ये आपकी दूरंध लाइन है पाकिस्तान और अफगानिस्तान सेपरेटेड है नेक्स्ट वन इज हिंडनबर्ग पोलैंड और जर्मनी ये हिंडनबर्ग लाइन है जो आप देख पा रहे हैं पोलैंड और जर्मनी को अलग करती है वही अगर बात करें मैकमोहन लाइन ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैकमोहन लाइन क्योंकि हम ये इंडिया से रिलेटेड है इंडिया और चाइना के बीच में है ये जो आप देख रहे हो ये लाइन ये हमारे मैकमोहन लाइन है ये इंडिया और चाइना को सेपरेट करते हैं नेक्स्ट वन इज मैगिनेट लाइन जर्मनी और फ्रांस को ये हमारी मैगिनेट लाइन है जो जर्मनी फ्रांस को अलग करता है फिर मैनर हम लाइन रशिया और फिनलैंड को अलग करता है रशिया और फिनलैंड को अलग करता है ठीक है नेक्स्ट वन इज ऑर्डर नीस लाइन ऑर्डर नीस लाइन जो है पोलैंड और जर्मनी को अलग करता है पोलैंड और जर्मनी ये जो लाइन आप देख रहे हैं ये ऑर्डर नीस लाइन है ठीक है नेक्स्ट वन इज रेड क्लिफ ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हमारे इंडिया और पाकिस्तान से रिलेटेड है ये जो लाइन आप देख रहे हैं ये सेपरेट करता है हमारे इंडिया और पाकिस्तान को और इसी लाइन को हम रेडक्लिफ लाइन कहते हैं रेखा लाइन की बात करेंगे ये फ्रांस और जर्मनी को अलग करते हैं फ्रांस और जर्मनी को अलग करते हैं ब्लू लाइन आपके Lebanon और Israel को अलग करते हैं ब्लू लाइन ठीक है नेक्स्ट वन इज ग्रीन लाइन इसको ये अलग करता है इसको देखो ये ठीक है ग्रीन लाइन रिपब्लिक ऑफ सिप्रस और टर्किश सिप्रस को अलग करता है ये हमारे सारे क्वेश्चन हैं जो कल हम करेंगे तो ये सारी हमारी क्या थी ये हमारे इंटरनेशनल बाउंड्रीज थी जो हमारे इंडिया के साथ हैं अब हम फटाफट -फड़ से आते हैं प्रीवियस ईयर पेपर पर प्रीवियस या पेपर पर आते हैं कल एक क्वेश्चन दिए थे ना द रिलेशनशिप बिटवीन द वैल्यू ऑफ अ कंट्रीज इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट इज कॉल्ड आंसर क्या था बैलेंस ऑफ ट्रेड कल प्रिय कल का प्रीवियस डे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का क्या था आंसर क्या होगा बैलेंस ऑफ ट्रेड कल का जो मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिया था उसका आंसर है बैलेंस ऑफ ट्रेड आओ आज नया क्वेश्चन करते हैं न्यू क्वेश्चन न्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन देंगे आज मैच लिस्ट वन विद लिस्ट टू या नेक्स्ट पे दे देना देखो यहां पे देखो मैच लिस्ट वन विद लिस्ट टू ठीक है ये लिस्ट वन है ये लिस्ट टू है नंबर ए ए बी सी डी फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ महानदी गोदावरी सतलज गोमती लुधियाना कतक, कतक, लखनऊ और नासिक ठीक है तो ये क्या है ये है आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ठीक है और ये आपको कमेंट सेक्शन में आंसर देना यही आपका होमवर्क है होमवर्क कमेंट सेक्शन में आंसर करना मैच लिस्ट वन रिवर लिस्ट टू सिटी दी हुई है सारा रिवर सारी सिटी दी हुई है ठीक है आपको मैच करना है टेक आक्रीन शॉट ऑफ इट आगे बढ़ते हैं टेक अ स्क्रीन शॉट वेरी गुड मॉर्निंग एवरी वन वेरी गुड मॉर्निंग सूरज ऑफिशियल ये आपका प्रीवियस ईयर है हाँ मैं अब बता रही हूं सर्वेश मैं बता रही हूं टेस्ट सीरीज चाहिए मैं बता रही हूं चलो ठीक है तो यह आपका हो गया अब हम आते हैं क्वेश्चन पर क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स टेस्ट सीरीज के बारे में पूछ रहे हैं बैचेस के बारे में पूछ रहे हैं तो अब हम उसको देखते हैं तो आज का सेशन यहीं पर एंड होता है ठीक है देखो सबसे पहले क्या करोगे आप गूगल पर जाना आपके पास लैपटॉप है लैपटॉप नहीं है आपके पास लैपटॉप है लैपटॉप नहीं है तो आप मोबाइल पर कर सकते हो या अड्डा ट्वेंटी फोर सेवन के ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना ठीक है कर लिया देखो दो चीज कर सकते हो या तो गूगल पर सीधे जाओ या फिर अड्डा ट्वेंटी फोर सेवन के ऐप को डाउनलोड कर लो प्ले स्टोर से कर लिया अगर तुम ऐप को डाउनलोड कर रहे हो तो तुम्हें लॉग इन करना पड़ेगा यूजी एंट्रेंस एग्जाम में सी यू टी यूजी सेलेक्ट करना पड़ेगा अगर पीजी के हो तो पीजी उसके बाद एक स्क्रीन ओपन होके आ जाएगी एकदम जैसे जैसे मान लो ये तुम्हारा मोबाइल है ना मोबाइल फोन यहां पर ऐसे करके ऑप्शन दिए हुए नीचे राइट बॉटम राइट पर स्टोर का ऑप्शन आएगा स्टोर स्टोर पे जैसे ही स्टोर ओपन होगा स्टोर ओपन में बीच में देखना आपको यहां पे आर्ट्स कॉमर्स साइंस लैंग्वेज जीटी टी सारा यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा स्क्रॉल भी कर सकते हो वहां पे स्क्रॉल करोगे तो पीजी मिल जाएगा ऐसे करोगे तो यूजी मिल जाएगा यहां से आप देखोगे तो आप, आपको टेस्ट सीरीज दिख जाएगी ठीक है अब हम आते हैं गूगल पर ठीक है अच्छा एक चीज और है परचेज करने के लिए सबसे पहले तो एक कूपन कोड दे रही हूँ उसको नोट उसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए उसको दिमाग में रख लीजिए या लिख लीजिए कहीं पर यही कूपन कोड आपको यूज़ करना है ये मेरा फैकल्टी कोड है तो ये कूपन कोड आप जब यूज़ करेंगे तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा ठीक है वो कूपन कोड कौन सा है एक बार मैं आपको बता देती हूँ पहले आप फटाफट से इसका स्क्रीन ले लीजिए वाई ये कूपन कोड है जो आपको यूज करना है मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए कुछ भी परचेस कर रहे हो अड्डा ट्वेंटी फोर सेवन से टेक स्क्रीन शॉट ऑफ इट वाई फोर फाइव फाइव ये कोड है यही यूज करना ये ये नहीं यूज करना है कोड यही है देखो कोड क्या है फैकल्टी ये. कोड ये. ये, है वाई फोर फाइव फाइव इसी को यूज करके आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा ठीक अब देखो अब एक बार आगे अब देखो मैं तुमको स्टोर सेक्शन में क्या क्या दिखता है वो मैं ले चलती हूँ जो गूगल वाले हैं पहले वो अड्डा ट्वेंटी फोर सेवन डालेंगे

देखो अब देखो यूजी जैसे क्लिक करते हो आता है सी यू टी महापैक सी यू टी साइंस सीयूटी कॉमर्स सीयू टी आर्ट्स सी यू टी लैंग्वेज एंड जनरल टेस्ट तो बहुत सा पहले मैं लैंग्वेज जनरल टेस्ट का बता दे रही हूँ लैंग्वेज जनरल टेस्ट पे क्लिक करोगे तो क्या लिखा है जैसे क्लिक करोगे आ जाएगा लैंग्वेज सी यू टी लैंग्वेज एंड जनरल टेस्ट स्टडी मटेरियल टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर अब देखो पहले तो मैं टेस्ट सीरीज बताऊंगी उसके बाद कुछ ठीक है देखो यहां पे क्या लिखा है सीयूटी लैंग्वेज एंड जनरल टेस्ट टेस्ट सीरीज देखो लिखा है ना सी ओ टी लैंग्वेज एंड जनरल टेस्ट टेस्ट सीरीज दिख रहा है कहा गया हाँ ये सीयूटी लैंग्वेज एंड जनरल दिख रहा है सभी को यह देखो एन टी ए सीयूटी टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर एस प्लस टेस्ट इंग्लिश लैंग्वेज एंड जनरल टेस्ट दिस इज दीरीज यू कैन हैव एन टी ए सीयूटी एस ठीक है उसके बाद दूसरी टेस्ट सीरीज प्रीवियस ईयर किट है और उसके बाद इंग्लिश इंग्लिश इसमें इंग्लिश आ, रीजनिंग ये सेक्शनल टेस्ट है सेक्शनल टेस्ट मतलब टॉपिक वाइज टेस्ट है ये और ये वाला जो टेस्ट है ये आपका आ, ये भी आपका इंग्लिश और जनरल टेस्ट का है ठीक है तो जो सबसे अच्छी टेस्ट सीरीज है वो है एस इसमें तुम्हें सब मिल जाएगा प्रीवियस ईयर लैंग्वेज जीटी सेक्शनल सब मिल जाएगा एस पे इसको क्लिक कर देना जैसे इसको क्लिक करते हो देखो ये वैलिडिटी इसकी एक साल की है बारह महीने की वैलिडिटी है ट्वेल्व मंथ्स देखो सिक्सटी टेस्ट सीरीज है इसमें ट्वेल्व मंथ्स की वैलिडिटी है ठीक है ट्वेल्व मंथ्स की वैलिडिटी है अब यहां पे क्या है यहां पे तुम्हें बाय अब यहाँ पे तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा ठीक है यहाँ पे तुम्हें क्या क्या मिलेंगे सिक्सटी मार्क्स विद डिटेल सोल्यूशन मिलेंगे सेक्शन वाइज डिटेल्ड रिपोर्ट मिलेगी बेस्ड ऑन दी लेटेस्ट पैटर्न है ये लैंग्वेज और जीटी के लिए है ठीक है इस पैकेज में आपको सिक्सटी फुल लेंस मॉक मिलेंगे डिटेल सोल्यूशन मिलेगा लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड है एग्जाम लाइक एनवायरमेंट दिया जाएगा ऑल इंडिया रैंक कंप्लीट एनालिसिस भी करवाई जाएगी ये सारी टेस्ट सीरीज आपका है ठीक है अब क्या है ये जो टेस्ट सीरीज है इसको बाय नाउ करोगे बाय नाउ देखो यहाँ पे भले 2023 अभी अपडेट नहीं हुआ है लेकिन ये अपडेटेड आपको मिल जाएगा ठीक है अब क्या करोगे बाय नाउ बाय नाउ पे जाओगे तो कूपन कोड वाई फोर फाइव फाइव अप्लाई कर दोगे जैसे ही अप्लाई करोगे कूपन कोड आपको वन थाउजेंड टेन में वन थाउजेंड फोर हंड्रेड टेन में ये टेस्ट सीरीज मिल जाएगी ठीक है यूजिंग कूपन कोड वाई फोर फाइव फाइव ये वाला ठीक है तो ये हो गया आपकी टेस्ट सीरीज राइट अब हम आते हैं अब हम आते हैं साइंस कॉमर्स और आर्ट्स तीनों की अपने 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 डोमेन को चुन लेना कॉस्ट सेम है सबकी जैसे हम साइंस पर आते हैं साइंस की टेस्ट सीरीज देखो एन टी ए सी यू टी टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री एस प्लस टेस्ट सीरीज है एस जैसे ये एस पे क्लिक करोगे सेम अमाउंट है सारे डोमेन के लिए आप बाय नाउ करोगे और कूपन कोड लगाओगे फाइव फोर फाइव फाइव अप्लाई करोगे यहाँ पे आपको टू थाउजेंड एट हंड्रेड ट्वेंटी वन में मिल जाएगा ये जो साइंस की है ये सिर्फ साइंस की नहीं है इसमें लैंग्वेज साइंस जी टी सब कुछ है पूरा तीनों है सेक्शन टू थाउजेंड एट हंड्रेड ट्वेंटी वन में ये मिलेगा आपको ये और चाहे आर्ट्स हो चाहे कॉमर्स हो चाहे साइंस हो सेम प्राइस है आप अपने डोमेन में जाके इसको देख लेना इसकी भी वैलिडिटी इसकी भी वैलिडिटी बारह महीने की है ट्वेल्व मंथ्स की वैलिडिटी है यहां पे आपको भी सब मिलेगा अनलिमिटेड री हैं आप बार बार री रीअटेम्प्ट करके अपना ज, 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 चेक कर सकते हो आंसर ठीक है मतलब जज कर सकते हो अपने आप को एनालाइज कर सकते हो ये चीज है उसके बाद हम आते हैं अपने मेन चीज पर जो आपका बैच ट्वेंटी फर्स्ट ऑफ फरवरी कल से नई बैच रिलीज हो रही है कल से नई बैच स्टार्ट हो रही है जिसका नाम है अर्जुन टू पॉइंट क्लासेस के साथ रिकॉर्डेड लेक्चर्स नोट पीडीएफ डीपीपी प्रैक्टिस सेट्स टेस्ट सीरीज एनालिसिस काउंसिलिंग सब मिलेगा ठीक अब आपको क्या करना है आपको इस पर क्लिक करना है और आपको सब मिलेगा आप यहाँ पे देख लीजिएगा चेक कर लीजिएगा सब कुछ है कौन कौन टीचर पढ़ा रहा है मैं हूँ मैं भी पढ़ाऊंगी इसमें ठीक है विवेक सर पढ़ाएंगे रुबैका मैम पढ़ाएंगी आपके जो यू नो पर्टिकुलर टीचर्स है वो पढ़ाएंगे और हिंदी लियो तो राजेंद्र सर पढ़ाएंगे ठीक है तो यहाँ पे वाई फोर फाइव फाइव अप्लाई करोगे जैसे अप्लाई करोगे टू थाउजेंड नाइन हंड्रेड फोर में ये बैच ही है लैंग्वेज जी का ठीक है टू थाउजेंड नाइन हंड्रेड फोर में ये बैच है ंगपन कोड वाई फोर आप इस बैच को परचेज कर सकते हैं बहुत अच्छा बैच है यू कैन गो एंड हैव दिस बैच इस बैच की स्पेशलिटी पिछले पिछली जितनी भी बैचे हैं उनकी भी रिकॉर्डिंग्स आपको मिलेंगी ठीक तो ये चीज है अब उसके बाद आता है आ, साइंस जो साइंस कॉमर्स आर्ट्स वाले हैं अब इस बार हम कॉमर्स का ले लेते हैं एग्जाम्पल तो जो साइंस कॉमर्स आर्ट्स वाले हैं उनको क्या करना है उनके लिए भी ये अर्जुन 2.0 बैच है देखो यहाँ पे भी मैं और उबे मैम लोग पढ़ा रहे हैं ठीक है तो इसमें आप क्लिक करोगे जैसे ही आप क्लिक करोगे यहाँ पे आ, इस सेम चीज है जो मैंने आपको बताया बाय नो पे जाएंगे आप ठीक है बाय ना पे जाएंगे कूपन कोड अप्लाई करेंगे वाई फोर फाइव फाइव अप्लाई कर दोगे और फोर थाउजेंड नाइन हंड्रेड सेवेंटी नाइन में यहां पे आपको कॉमर्स का सब्जेक्ट है या अगर आर्ट्स डोमेन के आर्ट्स का सब्जेक्ट या साइंस के साइंस का उसके साथ लैंग्वेज और जीटी मिलेगा टेस्ट सीरीज मिलेगी लाइव रिकॉर्डेड नोट्स पीडीएफ डीपीपीस प्रैक्टिस काउंसलिंग सब कुछ मिलेगा पैकेज है पूरा फोर थाउजेंड नाइन हंड्रेड सेवेंटी नाइन में ठीक है तो आप परचेज कर सकते हो तो आई होप मैंने आपको क्लियर कर दिया हो कूपन कोड स्क्रीन ले लो वाई इसी कूपन कोड को यूज करके आपको मैक्सिमम डिस्काउंट यहां पर मिल जाएगा क्लियर पीडीएफ को बता दीजिए बताते हैं पीडीएफ का हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट भी हिंदी मीडियम के उस पे कर सकते हैं पीडीएफ पीडीएफ के लिए आप मुझे मेल कर लो पीडीएफ के लिए आप मुझे मेल कर दो मेरी मेल आईडी क्या है पीडीएफ के लिए या बैच में और चीज जानने के लिए आप मुझे मेल कर सकते हो बैच के लिए भी आप मुझे मेल कर सकते हो वैशाली डॉट पांडे एट द रेट अड्डा टू फोर सेवन डॉट कॉम जी मेल डॉट कॉम नहीं है अड्डा ट्वेंटी फोर सेवन डॉट कॉम है मुझे इस मेल आईडी पर आप मेल कर सकते हो पूछ सकते हो पीडीएफ से रिलेटेड बैच से रिलेटेड पढ़ाई से रिलेटेड कुछ भी ठीक चलिए राइट चलिए सो गाइज थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द सेशन ऑफ टूडे आई होप यू लव देशन मिलते हैं फोर फिफ्टी पी एम पर अपनी टेन मिनट शो में एंटिल दिन बाय लव यू टेक केयर जय हिंद और अभी दो तीन सेशन हम लेकर और आएँगे जहाँ पर आपको स्ट्रेटी बताएंगे आ, आपके सी यू टी एग्जामिनेशन में बहुत ही क्लोजली ठीक है चलिए थैंक यू एवरी वन लव यू ऑल हैवे नाइस डे शेयर कर देना सेशन को और फिर से मिलते हैं कल जय हिंद